ये है जी 500 साल पुराना मज़ार, जो कि ज़िला रावलपिंडी और ज़िला अटक के तकरीबन दरमियानी लोकेशन पर मौजूद है। ये मज़ार बाबा वली कंदारी के नाम से मशहूर है और तकरीबन ज़िला रावलपिंडी, अटक, टैक्सला, इस्लामाबाद और इसके करीब जेलम और इस तरह पेशावर से हर तरफ से तकरीबन यहाँ पर लोग आते हैं। बाबा वली कंदारी का मज़ार इस्लामाबाद से तकरीबन 50 से 55 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अगर इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ बजरिया जीटी रोड जाया जाए तो ये जीटी रोड पर वाक़ है। जीटी रोड से अंदर की जानब तकरीबन 1 किलोमीटर का रास्ता है और वहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू होता है और पहाड़ी रास्ते को चढ़ने के लिए उसके साथ साथ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ताकि अगर लोग ऊपर चढ़ें तो उनको कोई मुश्किल पेश ना आ सकें और वो आसानी से मज़ार की जानब चढ़ सकें। यहाँ पर ये हैं जी मज़ार की जानब जाने वाली इब्तदाई सीढ़ियाँ। इर्द गिर्द मकान बने हुए हैं और जैसे ही आप लोग थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये राइट साइड पे देखें जी, ये एक मज़ार की बैठक बनी हुई है। यहाँ पर मैनेजमेंट के लोग बैठे होते हैं, मज़ार के कुछ नीचे होते हैं, कुछ ऊपर। अगर कोई चीज़ ऊपर भिजवानी हो तो यहाँ से उनको बता दिया जाता है कि इस चीज़ को ऊपर लेके आएँ। तो जैसे ही यहाँ से ऊपर जाते हैं तो मज़ीद ये सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। साथ में लेफ़्ट साइड पर पहाड़ी है और राइट साइड पर ये नीचे की जानब आबादी है। कुछ दुकानें भी हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इन दुकानों में छोटी अशिया मौजूद है खाने पीने की। अगर आपको प्यास लगती है तो यहाँ से आप पानी वगैरह और जूस वगैरह खरीद सकते हैं। वो सामने पहाड़ी है जी, इस पहाड़ी तक मैंने जाना है और आप लोगों को साथ साथ इसका नज़ारा कराना है। कुछ और लोग भी हमसे पहले जा रहे हैं और ये भी इस मज़ार की जानिब जा रहे हैं यहाँ पर ऊपर नज़ारा देखने के लिए। काफ़ी सारे लोग आते हैं जो कि यहाँ पर हर साल उर्स भी होता है और उर्स भी मनाने आते हैं। यहाँ से तकरीबन मैं मज़ार के करीब पहुँच चुका हूँ और भी काफ़ी लोग ऊपर जा रहे हैं। और ये वो एरिया है जहाँ पर तकरीबन यहाँ से मज़ार का एरिया शुरू हो जाता है। थोड़ा सा और ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पर मज़ार का गेट आपको नज़र आ जाएगा। उस गेट से आगे एक और छोटा सा गेट है, ये वो गेट है जी जहाँ से मज़ार का एरिया शुरू हो जाता है। सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं, काफ़ी थकन हो चुकी है, गर्मी का मौसम है लेकिन ऊपर काफ़ी हद तक हवा चल रही है। ये मज़ार का बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पर कुछ स्टॉल मौजूद हैं, खाने पीने की अशिया हैं, साथ में बुनियारी है, बच्चों के खेलने की चीज़ें, खिलौने और इस तरह की मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। तो पहाड़ी से ये तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर है, नीचे जहाँ से पहाड़ी शुरू होती है। ये यहाँ पर भी स्टॉल मौजूद है जी, खाने पीने की अशिया भी हैं और बहुत से लोग मुख्तलिफ़ किस्म की ख़रीदारी कर रहे हैं। ये है जी वो मज़ार, यहाँ पर तकरीबन आधे पाकिस्तान से लोग आते हैं और यहाँ पर उर्स भी मनाते हैं। कुछ लोग यहाँ पर अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। ये मज़ार की बाहर साइड वाला हिस्सा है, सामने मस्जिद मौजूद है और इस साइड पर ये फिर मज़ार है जी। ये था जी मज़ार का नज़ारा जो आपको मैंने करा दिया है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और आप लोगों ने को भी शौक इस तरह की जगहों पर जाने का तो आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप लोगों तक इस तरह की मालूमाती वीडियो साथ साथ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।